हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और आप लोगों के रिगार्डिंग ही आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसी के अनुसार हमारी क्लासेज होती हैं। तो ऑलरेडी हमने इस बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन पर कई सारे वीडियोज़ हमारे अपलोडेड हैं। 5 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो गया एंड 6th जो आपका चैप्टर है इस पर भी ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोज़ अपलोडेड है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है एंड वो वीडियोज़ आपको देखनी है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। पिछली दोनों वीडियोस में हमने पहली वीडियो में कवर किया है आपका स्वतंत्रता क्या होता है, कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी चीज़ों पर बात किया है। दूसरा है असमानता, इन दो टॉपिक्स पर को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संपत्ति, कि क्या है संपत्ति, उसके टाइप्स क्या है, उसको विद्वानों ने क्या कहा हुआ, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको अलग अलग तरीके से हम किस तरह से समझ सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हमें डिस्कस करना है आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संपत्ति को, एकदम बेसिक समझने वाले हैं कि व्हाट इज द जो आपकी संपत्ति होती है, जो पूर्वजों के द्वारा आपको मिली हुई होती है वो क्या होता है। तो देखो, संपत्ति बेसिकली जो मनुष्यों को जो अधिकार दिया जाता है, जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जो पावर्स प्राप्त है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी संपत्ति। कई सारे विद्वान संपत्ति को मानते हैं कि संपत्ति एक ऐसी संपदा है, एक ऐसा वस्तु है जिसका कोई मूल्य होता है, जिसको बेचा या खरीदा जा सकता है, जिसको कानून के द्वारा आपकी है वो चीज़ इसके मान्यता प्राप्त हो, वो कहलाती है आपकी संपत्ति। संपत्ति को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने राय रखी हैं। इस पर अपना बात रखते हुए, अपने विचार रखते हुए डॉक्टर के ईबी होल कहते हैं संपत्ति को डिफाइन करते हुए कि संपत्ति उन अधिकारों, उत्तरदायित्वों, विशेषाधिकारों और साधनों से संबंधित अवधारणा का नाम है जो किसी समाज में मनुष्य के व्यवहार को निश्चित करते हैं कि वो मनुष्य क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो किस लेवल का है, उसकी आर्थिक स्थिति को डिफाइन करते हैं, जिससे कि लोगों के माइंड में उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो इंसान कितनी बड़ी संपदा का मालिक है, उस इंसान की क्या वैल्यू है। ये सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, संपत्ति उन अधिकारों, उन विशेषाधिकारों, साधनों से संबंधित एक अवधारणा का नाम है। इसी पर अपना विचार रखते हुए डॉक्टर आसिर बादम कहते हैं, जिनकी बातें जो है अगर आप संपत्ति से रिलेटेड देखोगे तो इनका सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है इनकी बातों को। तो डॉक्टर आसिर बादम कहते हैं कि वे वस्तुएँ जिन पर मनुष्य का नियंत्रण है, या वे सारे भौतिक पदार्थ जो उसके हिस्से में उनकी है, उसको क्या कहते हैं, उसकी संपत्ति मानी जाएगी। उन्होंने कहा वो चीजें, वे वस्तुएं जिन पर मनुष्य का, एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, या फिर वे सारे जितने भी भौतिक पदार्थ हैं जो उसके हिस्से में आते हैं, वो माना जाता है कि ये उसकी संपत्ति है, बसरते उन्हें समाज की मान्यता मिल चुकी है। यानी कि वो वस्तु उसकी है ये तभी माना जाएगा जब समाज के द्वारा, कानून के द्वारा उसको मान्यता मिल चुकी हो कि हाँ भाई ये चीज़ तुम्हारी है। अदरवाइज, क्योंकि नियंत्रण करने की बात है तो कोई भी दूसरे को मारपीट करके उसके ज़मीन पर, उसके घर पर, उसकी चीज़ों पर कब्जा कर सकता है ना, तो केवल नियंत्रण करने से वो चीज़ आपकी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। वो संपत्ति तब बनेगी जब वो समाज और कानून के द्वारा उसको क्या हो, मान्यता प्राप्त हो कि हाँ ये इस व्यक्ति से रिलेट करती है ये संपत्ति, ये चीज़। ओके, तो इस तरह से संपत्ति को हमने डिफाइन किया। अब अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए कि संपत्ति की विशेषता क्या हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की विशेषताओं के बारे में जानना शुरू करते हो तो आपको उस चीज़ के बारे में जाते अच्छे तरीके से समझ में आता है। जैसे कि एक व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो अगर आपको उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पता चल जाए कि वो व्यक्ति क्या है, क्या चीज़ कर सकता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी सोच क्या है, तो व्यक्ति की अगर विशेषताएँ आपको पता चल जाएँ तो वो व्यक्ति क्या है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसी तरह से अगर आपको संपत्ति को समझना है तो इसकी विशेषता को समझना पड़ेगा। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं कि वस्तुओं पर मनुष्य का अनन्य और अस्थायी स्वामित्व, यानी कि संपत्ति वे वस्तुएं कहलाएंगी जिन पर मनुष्य का अनन्य, अनन्य मींस क्या होता है, असीमित, यानी कि उस व्यक्ति का उस चीज पर को चाहे जितनी बार भी अनन्य, मतलब कई बार, अनेक बार वो यूज करना चाहे, जितना चाहे जब करना चाहे, वो व्यक्ति उस चीज़ का, उस वस्तु का उपयोग कर सके और उसका अस्थायी स्वामित्व हो कि हाँ वो चीज़ उसकी है, वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ के साथ कुछ भी कर सकता है, उस चीज़ को बेच सकता है, उस चीज़ से कुछ चीज़ें उगा सकता है, वो कुछ कर सकता है, मतलब कि उस चीज़ पर उसका क्या हो, अस्थायी स्वामित्व हो और क्या हो, उसका वो अनन्य यूज भी कर सकता है, तो वो चीज़, वो वस्तु कहलाएगी क्या, कि वो उस व्यक्ति की संपत्ति है। ओके, दूसरा है सामाजिक मान्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है किसी भी चीज के लिए को संपत्ति के रूप में घोषित होने के लिए, कि वो चीज जो होगी वो राज्य के द्वारा, लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कि हाँ ये चीज, ये वस्तु, ये भौतिक पदार्थ इस व्यक्ति से रिलेट करता है।
तभी जाकर के वो संपत्ति बनती है। अगला चीज है आपका उत्तराधिकारों से प्राप्त संपत्ति, यानी कि संपत्तियां जरूरी नहीं है कि वो चीज आपने अपने एफर्ट के द्वारा ही अर्जित किया हो, क्योंकि संपत्तियां ज्यादातर लोगों को मिलती है उनके पूर्वजों के माध्यम से उत्तराधिकार के रूप में। उनके पूर्वजों ने कहीं कुछ किया, एफर्ट लगाया, मेहनत किया, तो वो जो चीजें इकट्ठा करते हैं वो उनके आने वाले वंशों में हस्तांतरित होती रहती है, आती रहती है। तो उत्तराधिकार से प्राप्त भी संपत्ति हो सकती है जिस पर उस व्यक्ति का अधिकार हो, समाज और कानून के द्वारा वो चीज क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। ओके, अगला है आपका संपत्ति का अधिकार असीम नहीं हो सकता है। असीम मीन्स जिसकी सीमा ना हो। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो असीमित नहीं हो सकता है कि आपकी असीमित संपत्ति होगी, क्योंकि ये जो संपत्ति बनती है वो किसके द्वारा मान्यता से बनती है, समाज और कानून के। तो समाज पूरी तरह से किसी को सब कुछ नहीं दे सकता है ना, क्योंकि समाज में सभी लोग हैं, सभी को चीजें चाहिए। तो संपत्ति का जो अधिकार होगा वो लिमिटेड होगा कि इतनी संपत्ति इस व्यक्ति की है और दूसरी दूसरे व्यक्ति की है, तो वो असीमित नहीं हो सकती है। तो इस तरह से संपत्ति की विशेषताओं को समझ के इसके हमें पता चलता है कि संपत्ति क्या है, आखिर कहाँ तक, किस लेवल तक संपत्ति को हम समझ सकते हैं। अब संपत्ति को समझने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी सिद्धांत आता है संपत्ति का उदारवादी सिद्धांत। संपत्ति को उदारवादी सिद्धांतों में कई सारे सिद्धांत आते हैं, जिसमें अलग अलग विद्वानों में जे एस मिल हो गए, एंगस्टीन हो गए, हर्बर्ट डिस्पेंसर हो गए, इन्होंने क्या कहा, समाज में जो संपत्ति है उसका निजीकरण होना या संपत्ति का अलग अलग व्यक्ति से रिलेट कर पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसका उदारवादी सिद्धांत दिया गया, जिसमें सबसे पहला आया आपका निजी संपत्ति का समर्थन। कई सारे विद्वानों ने जिन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन किया कि एक व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का भी विकास होता है, उसके देश का, उसके समाज का भी विकास होता है और वो एक देश के लिए अच्छा है। एंड इसके कई सारे कारण दिया गया, जिससे इसमें पहले कारण दिया गया कि मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति है अगर उसके पास निजी संपत्ति होती है तो वो उसको अंदर से खुशी पैदा करती है कि हाँ मेरे पास कुछ है, उसको अपने आप में एक फुलफिलनेस की भावना उसके अंदर ट्रिगर होती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक भी चीज़ें हैं, नैतिककरण भी होता है जब व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें उसके पास, उसको जो भी चीज़ें अपनी लाइफ के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो वो किसी और की चीज़ों पर गलत निगाह या किसी और की चीज़ों पर कब्जा करने की तो कोशिश नहीं करता, या किसी से लूट मार करके चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। तो नैतिक कारण भी होते हैं। अगला है आर्थिक कारण, कि निजी संपत्ति जो है संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इसका आर्थिक कारण यह है कि एक व्यक्ति के पास अगर उसकी संपत्ति होगी तो उसकी से वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकेगा, अच्छी लाइफस्टाइल को एब्जॉर्ब कर सकेगा अपने लाइफ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो अच्छा लाइफस्टाइल दे सकेगा। तो इसके लिए संपत्ति इंपॉर्टेंट है और ये उसको बुरे समय पर सहारा प्रदान करती है। जैसे एक व्यक्ति का अगर गलत समय आ गया, वो अच्छे तरीके से पैसे कमा नहीं पा रहा है, तो उसके पास अगर संपत्ति है तो उस चीज़ को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, बेच सकता है और बुरे टाइम में अपने परिवार का, अपनी फैमिली का सर्वाइवल देख सकता है। अगला चीज है आपका ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण की बात करते हुए निजी संपत्ति को देकर के बात किया गया, एंड इसमें विद्वानों ने कहा कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी है कि जिन राष्ट्रों में निजी संपत्ति की परंपरा है कि निजी संपत्ति वहां पर पाई जाती है और निजी संपत्ति को सपोर्ट किया जाता है, वो राष्ट्र उन राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक जो है पावरफुल, अधिक जो है विकसित हुए हैं। जिन राष्ट्रों में सामूहिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात किया जाता है या सामूहिक जो है पावर, सामूहिक जो है एक साथ मिलजुल करके किस हर एक चीज़ क्या हो, सामूहिक हो, तो उस चीज़ को लेकर के, कम्युनिस्ट चीज़ों को लेकर के, उससे ज़्यादा सफल और उससे ज़्यादा विकसित राष्ट्र वो हुए हैं जहाँ पर निजीकरण की भावना है या निजी संपत्ति की है। क्योंकि व्यक्ति एक संपत्ति बनाता है, अगर उसको पता है कि संपत्ति मैं बना रहा हूं और सभी लोग इसका उपयोग करेंगे, तो वो उतने एफर्ट के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, जब मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं इस लेवल पर पहुँचा हुआ हूँ। तो वो अपने जो एफर्ट्स लगाएगा उसको उस बेस पर लगाएगा कि उससे उसको खुद को आउटपुट मिल रहा है। अगर उसको आउटपुट ही नहीं मिलेगा या उसके आउटपुट का सभी लाभ उठाएंगे तो वो अकेला क्यों एफर्ट लगाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें भी हैं जिसकी वजह से ऐतिहासिक कारण भी आ जाता है। राजनीतिक कारण भी संपत्ति का आता है कि संपत्ति जिनके पास होती है वो राजनीतिक स्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, राजनीति उनके खिलाफ कुछ चीजें नहीं कर सकती है। राजनीति कभी कभी जब कुछ गलत करने लगती है तो पूंजीपति वर्ग उस पर काबिज हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर होती है, एफर्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं राजनीतिक कारण, और इस तरह से उदारवादियों ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है। दूसरा चीज है पुरस्कार और प्रतिफल का सिद्धांत। पुरस्कार और प्रतिफल का सिद्धांत की बात करते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी विचार रखा हुआ है,
और उन्होंने कहा है कि समाज में सभी को समान संपत्ति का जो फंडामेंटल कहा जाता है या कहा जाता है कि सभी को जो है समान है, सभी को समान संपत्ति का भी अधिकार मिलना चाहिए, ये बहुत डेंजेरियस हो जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर समान रूप से उसके पास पैसे होंगे, समान रूप से उसकी संपत्ति होगी, तो समाज अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है तो कौन तुम्हारे घर पर आएगा काम करने के लिए, लेबर करने के लिए, तुम्हारे घर में अलग अलग जो काम है या तुम्हारे लिए जो अलग अलग तुमको सुख सुविधा की चीजें चाहिए वो बनाएगा कौन, कौन एफर्ट डालने जाएगा अगर सभी के पास समान पैसे हो गए तो आर्थिक स्थितियां सभी की भिन्न होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के अकॉर्डिंग आर्थिक स्थितियां भिन्न होती है, पुरस्कार या प्रतिफल मिलता है, तभी व्यक्ति के अंदर वो जोश और एनर्जी आती है कि हाँ मुझे कुछ करना है। अगली चीज है आर्थिक व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। इसमें कहा गया है कि संपत्ति की उदारवादी सिद्धांत में कि जो आर्थिक व्यवस्था है इस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, कहीं ना कहीं राज्य उसको कंट्रोल करे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जो है आर्थिक स्थितियां क्या हो, निजीकरण हो जाए, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी एक संपत्ति है और वो ये ध्यान नहीं दे रहा है कि दूसरे व्यक्तियों का लाइफ क्या होगा। राज्य के सिद्धांत में या संपत्ति के सिद्धांत में इस बात को रखा गया है, या समानता का सिद्धांत हो, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, इन चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इसमें एक चीज साफ साफ क्लेरिफाई किया गया है कि व्यक्ति की, समाज की जब तक बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, व्यक्ति अपने लाइफ में ऐश्वर्य को भोग नहीं सकता है। ऐश्वर्य को भोगने का अधिकार तभी होगा जब उस समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी का जो बेसिक नीड्स है, कपड़ा, रोटी, मकान, जो ये बेसिक नीड है, ये सभी की पूरी हो रही हो, इसके बाद जो है निजीकरण के बारे में आगे चीजें कही जा सकती हैं। तो आर्थिक व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थितियों का नाजायज फायदा उठा रहा है तो राज्य उस पर नियंत्रण कर सके, उसको छीन सके, उस पर कब्जा कर सके। अगली चीज है मुआवजे का सिद्धांत। मुआवजे का सिद्धांत भी जो है संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, निभाता है। इसमें कई सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं, रशियन कंट्रीज हैं, जहां पर अगर एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी संपदा है तो राज्य क्या करेगा, उसकी संपदा को अपने अंडर में ले लेगा और उसके बदले कोई भी मुआवजा नहीं देता है। लेकिन हमारी कंट्रीज हो गई या अदर जो भी आसपास के हमारे जो कंट्रीज हैं, यहां पर अगर कोई चीज गवर्नमेंट कब्जे में अपने ले रही है तो उसके बदले मुआवजा देती है। तो मुआवजे का अलग अलग अपना सिद्धांत है जिसमें निजी संपत्ति वालों को कभी फायदा होता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने देखा, संपत्ति के बारे में अच्छे तरीके से समझा कि संपत्ति क्या है, संपत्ति पर विद्वानों ने अपना विचार क्या दिया, संपत्ति की विशेषताएं क्या है, संपत्ति का उदारवादी सिद्धांत क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड ये जो वीडियो है आगे आपको लगातार मिलती रहेंगी। एंड पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।